नमस्कार। कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्धिस्ट सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम में अगली बाची रास कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ये कार्यक्रम आप हर एक दिन ठीक इतने समय से देखा जला, जिमें हमन के समाज के जोन विकृति बा कैसे ओके हटाए और हमन के समाज के जोन विकृति हटा के असल सभी समाज निर्माण करे के लिए हमारे का करे परी और हमारे जीवन में सफल हो के लिए का करे परी, तमाने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे के का करे परी और हमन के जीवन और सफल बनाए के लिए हमारे तमाने व्यक्ति से तमाने जो है सफल बाटे राजनीतिक क्षेत्र में या कौनों व्यापार के क्षेत्र में या कोई भी पेशा कर्मी बाटे वहाँ से हमारे प्रत्यक्ष सहभागी ता करा कि वहाँ से बातचीत भी कल जाते और हमारे जीवन सफल बनाए के लिए तमाने प्रयास कल जाते और एक बाह्य के हमारे कोनो भी क्षेत्र में वहाँ तक पुगे के लिए सफलता प्राप्ति के लिए कौन कौन साधन की आवश्यकता बा उ अमन की साधन यानी कि सूत्र पता लगा के वहाँ तक कोई कोशिश कर जाए ताकि हमरे भी जो है सफल व्यक्ति बाटे वहाँ के साथ में रह के और वहाँ के योगदान से वहाँ के विचार से हमरे भी वहाँ लक्ष्य तक पुग सकल जा। और आज भी हमन के एक व्यक्तित्व के न्योता धर के लिए हमारे वहाँ से बातचीत कर जी और अभी संगरी साथ रह जी का ऐसे आपके साथ बिना कार्यक्रम अधूरा रह सकी अति आपके साथ आवश्यक बा। आज समालक बाटे चेत नारायण चौधरी और जो उनकी एक बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्था की अध्यक्ष होने हमारे वहाँ से के बातचीत कर जी कार्यक्रम में हमारे स्वागत कर जाता कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा धन्यवाद। अति आप कौन कौन संस्था में आपद बाटी जा धन्यवाद सर। प्रथम बुद्ध टेलीविजन के सब कर्मचारी के हमार तरफ से और हमार संस्था के तरफ से शुक्रिया। कौन संस्था में आबद बैठे हमन के संस्था थाली एकता बचत कोष हो और हमन के थारू एकता बचत कोष कही के हमन के थारू के एकजुट कैलन चाहत हैं जा। इस संस्था के जो अब ऑफिस बा कहाँ स्थापना कर लीला हमन के बुद्ध नगर बुद्ध बुटोल ग्यारह बुद्ध बुटोल ग्यारह बुद्ध पथ में ही बा। तेकर अब वैसे अपन अपन जो प्रत्येक संस्था कौन भी स्थापना करला और अपने संस्था के वे अनुसार के उद्देश्य रहला लक्ष्य रहला तो इस संस्था के मुख्य उद्देश्य का होते हमन के संस्था के मुख्य उद्देश्य कि थोड़े थोड़े पैसा जुटा के हमन के जहाँ एक रुपया होता है में 50 पैसा जमा कर के हमन के अपन भविष्य उज्जवल करे के नाता के हैसियत से हमन के थारू एकता बचत के आगे बढ़ावल जे कह के हर एक व्यक्ति के हमन के जन पिछड़ल बढ़ी जा थोड़ा ना पिछड़ल बढ़ी जा जेकर चाहना बा वो भी थोड़े कम खा के थोड़े 2 पैसा बचाए कह के हमन के इस संस्था के आगे बढ़ावल चाहत रही जा। इस संस्था में अब कितना तक शेयर सदस्य बैठे लगभग हमन के इस संस्था में 150 जना लगभग में हमन के अभिन बढ़ जाए अभिनों के और आगे ले जाए के हमन के विचार के लिए बढ़ जाए। तो वैसे अब हर एक संस्था में जो सहकारी संस्था बाटे अब कौन सहकारी संस्था में महिला ज़्यादा आबद रहने अब कितना सहकारी संस्था बाटे कि महिले भर आबद रहने तो इस सहकारी संस्था में महिला पुरुष के सहभागिता कैसन बा हमन के महिला महिला थोड़े ज़्यादा हुई हैं पुरुष थोड़े कम हुई हैं दोनों आदमी दोनों महिला पुरुष लगभग बराबर के हर हारी में बाँट आज तक कैसन कैसन कार्यक्रम संपन्न कर गिल आपकी संस्था मार्फत हमन के संस्था विभाग अपन झट प्रत्येक महीना हमन के 10 रुपया उठा के हमन के अभी 500 के दर से उठाओ तड़ी जाए वो पैसा हमन के बैंक वे खाता में बा जेकर आवश्यकता पड़ी ओके लोन हमन 1 रुपया के हिसाब से हमन लोन दे दिल जाए ताकि ओके हरेक महीना में हमन के लगानी होता ओकर समस्या हमन बूझ के ओके हमन पैसा दे दिल जाए ताकि वो अपन कुछ काम करे कुछ व्यापार करे अने आवश्यकता में हमन नहीं दे दिल जाए ओके कि कोनो काम कर तू प्रगति कर कही के हमनों के देता दल चाहती जा। वैसे तो तमाने सहकारी संस्था बाटी डुबल अवस्था में बाटी ते जो आपके सहकारी संस्था बा कौन अवस्था में बा कह सकल जी हमन के 2 वर्ष कोरोना काल में थोड़े हमन के भयभीत अवस्था में रह जा 2 वर्ष तक ओकरे बाद में हमन एकदम लगभग फिर हमन मीटिंग रख ली जा कैसे चलाओ जा कैसे का करन जा हमन के ब्याज
दुई वर्ष के लिए हमन के ब्याज छूट के ले जाए कि मतलब नहीं तिरे सबसे सब लोग के स्थिति दयनीय बा उन्हन के विचार बुझ के हम उन्हन के सही तरीके से लान के मिनहा कह के ब्याज मिनहा कह के फिर अवध करा के हमन के सबके खुशी बना के हमन के चलाओ तंग जा ऐसा ने जो आपके सरकारी संस्था बा अब कौन कौन क्षेत्र में जिसे ऋण प्रदान करला हमन के यहाँ से लेके मोतीपुर तक लगभग मोतीपुर तक बा मैं नहीं कुरबा उसके बाद में यार तमनगर की महिला पुरुष अवध बाटा को लिए नहीं कौन कौन क्षेत्र में जिसे अब ऋण लगानी करला कौन कौन काम करे के लिए जो है हमारे जितना सदस्य बढ़ जाए सदस्य बाहक नहीं होता जितना सदस्य बढ़ जाए उन्हें के मात्र ऋण देखा हाँ कौन कौन क्षेत्र में जिसे अब कहा जाए उद्योग व्यापार कौन कौन काम करे के लिए ऋण प्रदान कर जला हमन के जब ग्राम जब जिस सदस्यता बाबू के कौन सी व्यापार करी उसी हिसाब से उन्हें लगा दे व्यापार बिजनेस हो गई वैदेशिक रोजगार जायक हो गई ऐसे ऐसे हम उनके ताकि ओकर स्थिति बढ़िया होके कह के वही में हम लगाने लगावल जी अब आवश्यक तरीके से हम नहीं देव थी जा अब कह रहे थे का होला कि अब जिसे आवश्यकता से ज़्यादा वो सब पैसा निकाल ली है और बाद में पैसा निकाल के भी जो काम के लिए वो सब प्रपोजल पेश के लिए वो काम भी नहीं कराने तो एक ही से कहा होला कि वो सब ऋण फिर चुकता रख नहीं सकने तो ऐसी कठिनाई आप सब में होला कि नहीं पहले रहे अब कम हो गई बा पहले शुरू शुरू में जब ये कोरोना काल में थोड़े समस्या रहल अब वो हल हो गई बा हाँ तो जैसे अब ऋण लगानी करत के एमा एक अलग समिति बनाई गई अलग समिति बा हाँ तो काम करत के कितना कठिनाई बा आप सबकी ऋण लगानी हमन के मन अब जैसे जे पैसा ले गए हेल चक्राई के लिए बा ओकर लिए कटौती बा जब तक वो अपन चरित्र नहीं सुधारी तब तक ओके लगानी थोड़े कम बा आ जे जब सही तरीका से बा ओके लगानी हमेशा के लिए तैयार बा इतने घड़ी हमारे बातचीत कर जाता एकता बचत ऋण तथा सहकारी संस्था के अध्यक्ष चेत नारायण चौधरी से ते ऐसे हमरे भी कोनो संस्था में आबद बाटी जाते ओमा हमरे जितना दिन में कमाल जाता और थोड़ी से हमारे बचत करी ते उहे पैसा हमन के पाँच वर्ष में दस वर्ष में कौन भी हमन के व्यापार व्यवसाय करे के लिए या कौन भी काम करे के लिए हमन के साथ हो सकी ते ऐसे जो आप सबके जो संस्था में लग के जो शेयर सदस्य बाटी कितना लाभान्वित बाटी कह सक जी लाभान्वित हमन के इस तरीका से बचत के पैसा हर एक सदस्य के अधिकार भी बा वही पैसा है जब परिवार कोनो बीत गई ओकर सदस्य के तो के हमन के 5,000 रुपया ओके अनुदान में दिया जाता आ जब बीमारी हो गई ओके पैसा के लिए ओके हमन के पहले छुट्टी ले बढ़ जाए अपर झड़ पड़ ले एम्बुलेंस चाहिए ओकरे बाद में कोनो चीज अपर झड़ पड़ ले ओके पैसा तुरंत हमन के दिया जाता हाँ एक बाहिक के जैसे अब जो संस्था बा हमन की समाज असल बनाए के लिए हमन की समाज और अच्छा बनाए के लिए जो आर्थिक स्तर बा उकास के लिए वैसे तो हमन के जितना भी सहकारी संस्था बाटें हमन की समाज के विपन्न वर्ग बाटें और के उकास के लिए यानी कि जो हम के आर्थिक स्थिति जर नाजुक बा कमजोर बा ऊपर उठा के लिए सहकारी संस्था के में मुख्य उद्देश्य हो ते इस क्षेत्र में काम कर सकत बा कि नहीं आप कितना एमा कह सकल जी हमन के इस सहकारी संस्था का उद्देश्य ये है कि कितनों से गरीब गरीब रहे ओके जग समझाए बा बुझाए बा बढ़िया से पैसा ओके जोगाए बा दुई पैसा कमा तक एक पैसा जमा कर वो तोर आमदनी हो कही के हमन के ओके समझाए बा हमन के ओके अवध कराए कि मतलब हर हमेशा स्थिति कैसन बा उस स्थिति बुझ के ओके हमन के समझा के हमन के अवध कराओ तरी जा कि मतलब पैसा तोर हो तोर बचत हुई ये पैसा तोरे काम लगी पढ़ाई लिखाई के लिए आवश्यकता पड़ी बेसी पैसा मन संस्था दिया जाता ओके पढ़ाई लिखाई के लिए ये मन के लबन नहीं करे खा अब कितना जो ना सरकारी संस्था बाटे जो शेयर सदस्य बाटे वो सब अब जो ना अपन शेयर बा निकारे खोजने अब कौन सरकारी संस्था बा आबद हो खोजने नए जो सदस्य बाटे तो एमा जिसे आपके सरकारी संस्था में कैसे मूल्यांकन कर गया कि आपके संस्था अच्छा से बा कह के जो बाहर के व्यक्ति बाटे कैसे मूल्यांकन कर बाटे कौन हिसाब से
हमन के मूल्यांकन इस तरीका के लिए जाए, मतलब कोनो व्यक्ति के अगर निकले के बाद हमन के समिति अठोबा समिति निर्णय करी कहे निकल तो समझाएल जाए बुझाएल जाए, या तो यहाँ बुटोल बुद्ध नगर छोड़ के जाए बा तो ओके बेचारा को तो निकाल दे खुशी दे दल जाए, ओके जितना पैसा बा तेना हिसाब कही के दे के ओके छुटकारा दे कर। जो आपके सरकारी संस्था बा जो बाहर के व्यक्ति बाटे कितना आकर्षित बाटे कि इस सरकारी संस्था में हम भी आबद्ध हो कह के आपके जो है सरकारी संस्था के काम देख के। हमन के सहकारी संस्था के काम देख के हर एक जितना मिला जा 150 से ज़्यादा अब अभी भी थपत अड़ी जा कहीं के उन्हन के बढ़िया काम होता कहीं के सब बूझ के समझ के उन्हन के अभी लगभग नाम दर्ता कराओ तरह पैसा जमा कर तरह हमन के अभी प्रोत्साहन दे तड़ी जा कि उन्हों कुल कहते कि बढ़िया से काम करें हमन के समाज आगे बढ़े कहीं के उन्हन के सब शेयर कहीं के हमन के चलता। हाँ एकर बाहे के जैसे अब शुरुआत में कितना पैसा जमा कर ले पर उस संस्था में आबद्ध हो सकी। हमन के शुरुआत में पहले 7000 लगभग हमन के जमा करके रहे, अब जितना जमा करे ओके भी हमन के जैसे मान लो उसके बाद पैसा नहीं बा 1000-2000 बा उतने जमा कर के हमन के शामिल करा उतर गया। हाँ एकर बाहे के जैसे अब सरकारी संस्था में जितना आबद बाटी और उस सबके कैसन कैसन तालीम धाले पर कैसन अब जैसे हमन के उस सबके क्षमता अभिवृद्धि के तालीम या कोनो भी हमन के समाज में अच्छा काम कह सके ओकन के भविष्य उज्जवल हो सके कोनो भी हिसाब से तमाने किस्म के जो तालीम बा आजकल तमाने संस्था सरकारी संस्था में जे आबद बा उस हिसाब से भी आगे बढ़ सकत बाटे ते ऐसने कोनो भी चेतनामूलक तालीम हो या आर्थिक स्थिति ऊपर उकासना किस्म के कोनो भी ऐसा तालीम नहीं कराल अवधारण बनाए गला। हमन के संस्था तालीम के एकदम जरूरी आवश्यकता भी बा समाज के बुझाए के लिए तालीम के आवश्यकता भी बा। जब तक तालीम प्राप्त कर व्यक्ति को वहाँ नहीं रही तब तक उन्होंने समझाए बुझाए के लिए थोड़ी समस्या पड़ेगा, इसे करी नाते हमको जैसे भी तालीम की आवश्यकता भी बा तालीम कई के समाज आगे बढ़ाए समाज शिक्षित रहे बेरोजगार न रहे अच्छा से काम करे कहीं के हमन के सख भर हमन के तालीम के भी आवश्यकता भी जरूरत बा। कैसन कैसन व्यक्ति के एमा आबद बाटी अब उम्र के हिसाब से कैसन कैसन व्यक्ति के पाल गया। हमन के संस्था के उम्र के मूल्यांकन नहीं बा, बच्चा भी एठो खोल सकेला एठो वृद्ध भी खोल सकेला उन्हन के लिए हमन के वर्ष के कीटाण भिन्न हमन के नहीं मिलबा। हाँ जैसे अब उम्र के हदबंदी ना भी फिर भी कैसन कैसन उम्र के जो व्यक्ति बाटे शेयर सदस्य बाटे अक्सर कह के 40-20 बाट 15 बाट 50 बाट 60 बाट और जैसे जो शेयर सदस्य बाटे ओखन के कुछ ऐसा नहीं बाकी इस संस्था में लग के हम अपन आर्थिक स्थिति उकासे सफल बाटी कोनो उदाहरण दे सकल जी। जैसे अब तमाम सरकारी संस्था में बाटी अवश्य तो अब वित्तीय जितना वित्तीय संस्था बाटे हमन के जो है समाज के व्यक्ति बाटे विशेष संस्था में पैसे निकाल के भी उस सब महीने पीछे जो है एठू ब्याज असूले के चलन बा ओकर बाहे के जो हमन के किस्त भी असूले के चलन बा और एक दिन न धाले पर ओखन के अब हरजाना भी लगला ते अब हमन के समाज असल बनाए के लिए हमन के समाज के आर्थिक स्थिति वासी एकमात्र माध्यम हमन के सरकारी संस्था हो ते ई सरकारी संस्था में जो व्यक्ति लागल बाटी अब जो कितना व्यक्ति लागल बाटी कि ओखन के खुशी बाटी कि नहीं कि इस सरकारी संस्था में लग के हम ऐसा व्यापार व्यवसाय चला सफल बाटी हमार आर्थिक स्थिति जो नाजुक रहे आज घड़ी जाके हम कुछ सफल भल बाटी कि ओखन के सोच या अवधारणा बनत बाकी नहीं। पहले हमन के 50,000 लगानी रहे जे ले जा 50,000 रहे, अब हमन के बाद में हमन समिति निर्णय कैलक कि अब व्यवसाय जो करे के रही दुकान करे के रही अथवा शटरिंग किने के रही कोनो व्यवसाय करे ओकर लिए हमन के 1,00,000 के लोन दे के ओके आगे तू आगे बढ़ पैसा सदुपयोग कर दुरुपयोग न कर कहीं के ओमे हमन लगानी के आगे बढ़े लौड़ जाए। हाँ तो जो अब व्यक्ति बाटे उ सब लोन लोन जो आप सब लोनिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाला तो सबके निरीक्षण कल जाला कि नहीं कि ओकर सही काम के लिए पैसा निकालता या फाजुल खर्चा करे के लिए पैसा निकालता निरीक्षण कर जाला कि नहीं ओकर समिति बा निर्णय निरीक्षण कर। हाँ तो वैसे जो हमन के समाज में बेरोजगार युवा बाटी और कितना बेरोजगार युवा पढ़ के भी काम ना पाके
बाहर जाए बाध्य बाटी और कितना जने सीप ना होके बाहर जाए बाध्य बाटी और कितना जने सीप होके भी और जो शिक्षित होके भी काम ना पाके पैसा ना होके आर्थिक कमजोर होके कितना जने बाटी की अब पढ़ले बाटी या कौन सीप सीख ले बाटी फिर भी दो चार पैसा रहते तो हम कुछ व्यापार व्यवसाय करती या जो वित्तीय संस्था में हमारे आबद रह लीजिए फिर हर एक महीना में जो हम के किस्ता असूले के जो है एक ठू अवधारणा बा वो हमन के तीरे न सके या हमन की धीतो न पुके पैसे निकाल के नहीं सकल जाते फिर भी जो सरकारी संस्था में आपके आबद बाटी तेमा आबद होके वो सब के कोनो उदाहरण दे सकल जी कि कितना जने हमन के लाभान्वित बाटी यानी कि फायदा उठा सफल बाटी जे कुछ ओखन के करे के विचार बा और ओखन के सीप बा ते हमन के सरकारी संस्था में लग के फायदा ले सकले बाटे के ओमे हमन के सर्वप्रथम हमन एक हमन के सीप के कमी कमजोरी बा एक नंबर बात हर एक व्यक्ति का हर एक सीप चाहिए सीप नहीं रही तो जीवन अंधकार रही या पढ़ाई लिखाई हो के चाहिए हर एक हमन के मीटिंग में होला कि मन कोनो सीप कोनो सीखे हमन के अब जो दर्ता करे बा ओकरे बाद में हमन के यह संस्था से पैसा लगाने कही के सिर्फ सिखा के वह व्यक्ति के दिया जे के हमन के सदस्य रहे एक हमन के उन्नीय भेलवा अलवन आ दूसरा बात हमन के हर एक व्यक्ति खुशी बाट कि मन हमन के हर एक वक्त हमन के जब जाना होते हमन के अपन जीवन उसकाए के लिए हमन के जब पैसा मांगते रहे तो मिलता था उन्हन के निरीक्षण कह के पैसा दिया था तो उन्हन खुशी बाट विरोध कोनो किस्म के हमन के ओसन नहीं बा और बिहान के दिन में कैसन योजना बना ली गया ताकि हमन के सरकारी संस्था और बढ़िया से चले और हमन के जितना शेयर सदस्य बाटे लाभान्वित हुआ और बाहे के अब और जन भी आकर्षित हुआ कि इस सहकारी संस्था में लग के हमन भी फायदा बा कह के कुछ योजना बना गया हमन के योजना अब लगभग एक ज्यादा से ज्यादा हमन के संस्था में सदस्य ज्यादा होकर उन्होंने हमन के सेवा सुविधा बढ़िया दे सकल जाई कहीं हमन के अब निर्णय होता तत्काल तो नहीं हो पाई लेकिन हर एक सदस्य के जीवन के लिए हर एक सदस्य बढ़िया से काम करे फालतू पैसा एयर और खर्च न करे कहीं हमन के ओके बढ़िया से अपन पैसा जन हमन के लोन में जाए पैसा सदुपयोग करे दुरुपयोग न करे कहीं हमन के वही उद्देश्य से पैसा दे के ओके लबंदिक होके हाँ ते जैसे अब हम इससे पहले भी कह चुकल बाटी सरकारी संस्था चला के लिए एकदम मुश्किल के बात हो चुकल बा कैसे कितना सरकारी संस्था डूबल के अवस्था में बाटी ते आप सबके जो नकारी समिति बा या बिहान के दिन में कौन हिसाब से काम करे पर जुन और एक बाहे के सरकारी संस्था डूबल अवस्था में बाटी वैसन स्थिति ना आए के कौन ऐसा अवधारणा अपना गया अभी हमन के संस्था डूबले के स्थिति तो नहीं बा हमन के एक पैसा हिना मिना इहर उहर कहीं कोन किस्म के नहीं बा एक नाते से सदस्य को भी ईमानदारी के साथ कहला कि बढ़िया चले बढ़िया से आगे बढ़े कह के सपोर्ट भी बा और हमन के जो पैसा जमा कर दी जा ओकर हिसाब किताब बढ़िया से होके हिसाब किताब भी हमन के प्रत्येक साल हमन जो साधारण सभा होला उमें ब्याज इतना सवा इतना उनके लिए हमन के दिया जाला हाँ तो वैसे जो ना इस सरकारी संस्था में जो आपद बा अब घर में कुछ समस्या पड़ गया जैसे मरनी हरनी में ओकर बाहे के अब घर की स्थिति कमजोर बा ठीक ना होले पर यानी कि बिरामी होले पर जो आप सब संस्था से सहयोग कर जाता ओकर बाहे के कोनो ऐसा योजना ना बना गया बा ये नए साल में कि ये हमन के योजना लागू कर ले पर हमन के जो शेयर सदस्य बाटी और फायदा उठा सकें कि कोनो ऐसा नया योजना अब ये कि हमन के योजना ये है कि अब नया योजना हमन के पास करे बड़ी जा कि कोई गर्भवती महिला हो गई और बच्चा जन्म गई ओकर भी हमन के सुदकेरी भत्ता भी हमन के निर्णय करल जाए ओकरे बाद में मरनी के बाद भी 5,000 रुपया निःशुल्क ओकरे बाद में जौन लड़का बढ़िया से पास हो गए बा डिवीजन ले लेबा ओकर भी हमन के संस्था होके ओके मनोबल आगे
उज्ज्वल भविष्य बढ़ाए के लिए ओके संस्था से लिए हमन कुछ ओके हमन अनुदान दिया था। और ओकर बाहे के जिसे अब जो हमन के कितना जो व्यक्ति बाटी अब दिन में कितना कमाने ते दुई पैसा बचावा और हमन के बिहान के काम लगी के ओखन के लिए का कह चाह जी जे बचत नहीं करत बा और काम भी करत बा ओकर बाद में बचत भी नहीं करत बा उस सब के संदेश देख चाह जी उन्हन के लिए हमन हर एक मीटिंग में घर घर उन्हन के संदेश फैलाए के लिए हमन हमेशा कहल जाला कि खर्च कम कर बचत ज्यादा कर जहाँ जहाँ थोड़े कम खा लेकिन बचाओ ज्यादा और जो बची हमन के अपने काम लगी कह के हमन के उद्देश्य हमेशा रहेला। एक बाहे के जो हमन के अब कितना आर्थिक स्थिति कमजोर बा पढ़े के लिखे नहीं सकत बाटी तो उखन के दिए कि कौन ऐसा उदाहरण बना ली ताकि शिक्षा प्राप्त कर सके या कोनो भी तालीम कंप्यूटर तालीम या कोनो भी सीपमूलक तालीम सिलाई कटाई तमाम किस्म के हमन के तालीम सीख के तालीम लेके अपन जीवन यापन कह सके कि कोनो ऐसा योजना बना गया जे जिकर आते किसी कमजोर बा जो हमन के शेयर सदस्य बाटे उखन मध्य में के सिलाई कटाई के हम पहले भी कह दिली हमन के सिलाई कटाई के भी आवश्यकता बा और हर एक तालीम की भी शिक्षित करे वाला भी हमन के बुझाए वाला भी जरूरी बा तालीम कैल हमन के तालीम जब कैल रही तो आदमी जा कहाँ समझाई बुझाई और सिलाई कटाई हमन महिला लोगन के बेरोजगार बाटे के लिए गली गली के हर हर ठोकर खा ले उन्हन के लिए सिलाई कटाई अगर हमन हमन के हमन के संस्था बा उन्हन के कुछ देख सिलाई कटाई के बढ़िया से उन्हन के परफेक्ट कर दी तो उन्होंने अपन खुट्टा मुँह के अपन दो चार पैसा कमा के अपन बाल बच्चा रोजी रोटी भी चला सके कह के हमन के अब निर्णय के सिलसिला हमन के आगे बढ़ेले बढ़िया अति अंतिम में हमन के जो दर्शक बाटी हमन के सर सदस्य बाटी ओखन के लिए कुछ कह चाहल जी कुछ संदेश देख चाहल जी हमन के जितना सर सदस्य बाटे के लिए धैर्य रख के अपन मनोबल आगे बढ़ा के बढ़िया से आगे बढ़े सब कुछ पूरा परिवार आगे बढ़े हमारा समाज आगे बढ़े और हमेशा के लिए इस संस्था हमन हमन के अगर मृत्यु प्रस्ताव भी कि एक नाम रहे कहीं इस संस्था बढ़िया काम कर लेबा नाम के लिए दुनिया मरेला इस संस्था न डूबे कह के हमन के हर एक समन के जानकारी हो रहा बा कि आगे बढ़े बढ़िया से प्रगति करे बाल बच्चा के लिए इस संस्था खुलल बा बाद में हमन के गैलक बावजूद उकुल बढ़िया चलावा कह के हमन के अपन थर बचत कोष के हमन के संपूर्ण सदस्य के नमस्कार कह के हम आगे बढ़ाओ कह के हमें विनती करते रही ते कार्यक्रम में आप अमूल्य समय दल गया आपके रीति से धन्यवाद देख सकता था धन्यवाद गुड टेलीविजन के भी सब संपूर्ण परिवार के हमें अपन तरफ से और हमारे संस्था के तरफ से धन्यवाद मुद्दे हल चाहते ऐसे आज हमारे बातचीत कल के थारो एक बचत सहकारी संस्था के अध्यक्ष चित नारायण चौधरी से अते ऐसे हमारे भी दिन में जितना कमाल जाता थोड़ी सी हमारे बचत कर जा और बिहान के हमारे फायदा उठा सके कि यानी कि कौन भी हमन की आवश्यकता पड़े पर वो पैसा हमन के काम लगी तो हमारे जितना कमाल जाता सब खर्च न कर जा बचत काल के बिहान के हमन के भविष्य हो और ऐसे कहत कार्यक्रम देखल गया बुद्धि सामुदायिक टेलीविजन हृदय से धन्यवाद ऐसे हमन के कुशल के मर पर्सन नारायण उनके विशेष धन्यवाद दी और आज के अतिथि चित नारायण चौधरी वहाँ के विशेष धन्यवाद देखते रहिए बुद्ध समुदाय टेलीविजन हम सचल विराज विधायक साहब नमस्ते।